अस्सलामुअलैकुम सबको। इस गर्मी में तपती गर्मी धूप आया मौसम ठंडे गर्मी गर्मी और ये हूँ मैं आज अपने दोस्त आदि मानव के साथ। अस्तगफिरुल्लाह थोड़ा सा बड़ा करो। हाँ बड़ा कर दो। दुनिया की आखिरी मखलूक हाथी बदमानस। ओके हम लोग एक्चुअली आज घूमने के लिए आए हुए। आज मेरी छुट्टी थी, इसका भी ऑफ था। तेरा ऑफ है? या इसका भी ऑफ है तो हम लोग आए हुए आज खाने के लिए। तो इस मार्केट खाने के लिए नहीं एक्चुअली पारने के लिए। हाँ पारने के लिए पूरा पार्क रख देंगे आज। जो भी हम लोग खाएंगे ना उसको पार्क रख देंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। तो मिलते हैं हमारे खाने के टेबल पे। तो वेट करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं? नो थैंक यू सर। कुछ तो कह दो ना मेरी जान के टोपे। मेरी बॉडी पे ना जाना, मैं इतना ज़्यादा खाता नहीं हूँ। मुझसे ज़्यादा बड़ा पेटू है। नहीं जनाब मैं खाता बहुत कम हूँ लेकिन माशाल्लाह सेहत। खाते पीते करके बंदे हैं यार। नाल नहीं है खाते पीते करके बंदे हैं हम लोग। सही का बार देखिए यार साहब तेरा अगर बिग शो हो गया मेरे बिग शो। चले मिलते हैं फिर खाने के टेबल पे। यार भी बहुत मोटा हो गया तू आके हो यार। खाने का मेन्यू देख नहीं रहे, उनको पार रहे हैं कि मेन्यू में से क्या निकलेगा। शायद ताज़ा मुर्गी निकल आएगी जनाब। ये हाँ। उनका चार टेबल है इधर, वो आगे फैमिली एरिया। ये बंदा बैठा हुआ है एक, और ये हमारा आदि मानव। एक ही ठीक हुए पूरे। बस बस खत्म करनी है। इतनी गर्मी में जाके पानी की बोतल खत्म कर दो। क्या कहना चाहेंगे आज आप? सर जी माड़ा जट फिल्म देखी जी जेडी नवी आई कसम में अंदर तो अपना बूथा चेक कर कैसे लग रहा है इनका तो वेरी नाइस। वैसे और बताओ सुनाओ क्या करते हो आप? सर जी आई एम कुछ ना कुछ करना ही है मेरे दिन के दसी। ये समुद्र का पानी अंदर करता है वेपर के साथ। और जो बड़े शादी है उस टाइम कई और कुछ नहीं मेरे मैं सुनाऊंगा आपको। चलो इसके बाद सुनाने के कुछ भी है मेरे भी नहीं है लेकिन आपको दिखाया जाए कि अभी क्या क्या आया है खाने के लिए। अभी आई है हमारे पास पट्ठे मंगवाए हैं मैंने कि पट्ठे खा ले। साथ में ये मंगवाया हुम्मस उसके ऊपर जैतून का। ये देखो खाते जाओ मेरे आदि मानो। कदम से तेरे और खोते के खाने में कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं फर्क है यार वो पता नहीं कैसे खाता मैं वैसे ही खाऊंगा। तो जनाब इसे हम लोग बोलते हैं पट्ठे। ठीक है इन पट्ठों को बजाया खाते। वो जो नरगिस के पीछे नाचती है ना ये उनमें उनमें से। ओ यार पीछे नहीं दरअसल बहुत पीछे। इसको रखते थे हाई नहीं बाजी हाई नहीं बाजी तेरे बाल देखो ऊपर लोगे ना फैशन है इधर। मैं इधर गोत कर दिया पीछे इधर करके। अच्छा सही। और सुना यार कैसे चल रही है क्या हो रहा है इधर अपने बारे में कुछ बता। ये जना पाकिस्तान जा रहे हैं जल्दी अगर कोई इनसे टिकट ले गया मैंने आज टिकट नहीं आए आए मजे आए पूरे मजे करेंगे जाने पाकिस्तान में। जनाब ने मेरा टिकट भी लिया और भाई ने आज इसको पार्टी दे रहा हूँ मैं किस चीज की इसकी। हाँ ये मोबाइल की पार्टी दे रहा हूँ मोबाइल दिखा दे। ये जनाब वाला हमने लिया था मोबाइल दिखा दे S10 प्लस 128 GB है। ये मोबाइल की पार्टी ये मोबाइल की पार्टी दे रहा हूँ मैं। और ये एक और पार्टी इसके पास बाकी है लेकिन वो मैं ये बता सकता हूँ वो फ्यूचर में कभी बताऊंगा। एक पार्टी दे रहे याद है ना। हाँ एक पार्टी इसी तरह बाकी है वो भी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फ्यूचर में जब होगी आएगा पाकिस्तान में तो दिखाएंगे। अभी ज़्यादा खर्चा नहीं करवाऊंगा यार। आज मैं सो रहा था इस आदि मानव के बच्चे ने मुझे सुबह सुबह उठा अच्छा किया ना भाई। मैंने उसको उठाया नहीं इसको मैं बोला खाना खिलाता हूँ आज फिर आया कमीना। कसम से मैं यकीन माने मैं वाकई नहीं उठ रहा था। मैंने सोचा कि खा मैंने यार नींद आई हुई रात को ख़त्म की थी सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा था इसने मुझे उठाया।
मैंने भाई बोलता नहीं आना, मैं बोला यकीन मानो खाना खिलाता हूँ आपकी मनपसंद जगह से। कहता फिर आया, कहता फेवरेट खाना खिलाता हूँ, चलो यार चलते हैं। तो आप एक ही देना मुझे मैडम, काफी देर के लिए डालो ये मेरी रोटी हमारी को 6 ईयर आफ्टर ये पागल है 2008 की मेरे हाथ क्या है 8 9 10 11 साल 11 साल भाई। हां यार 11 साल हो गए इस बंदे को जानते हैं, 11 साल मुझे शर्म नहीं आती, कसम से नहीं आती। हम लोग 11 साल के दोस्त हैं, ये पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ये बड़ा मासूम सा चीकू सा बच्चा था, है ना। वो कहते हैं ना 12 मसाले 13वीं दाल 14वीं सदी के राम दे पाल तेरे तो एक मिनट, इसने इसने जब मुझे पहली बार देखा था मैं कैसा था भाई जी? बड़ा पक्कू बच्चा था जी, ऐसा आता था जो आपके ऊपर आता था, मेरा दिल देख के ना इसके ऊपर फिजा हो गया, जैसे लड़की को देख के बंदा तो नौकरियां नहीं बनता, फिर आज निकलना इसने। तो वैसे मैं दुकान पे शॉप मैं भी जॉब करता था, ये भी उधर ही जॉब करने के लिए। तो जनाब वाला हम आमना सामना यानी एक दोस्त के थ्रू यानी थोड़ा हो गया, क्या कहते हैं यार उसको, एडवर्टाइजिंग क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, सॉरी भूख लगी है ना, तो जब मुझे भूख लग जाती है ना फिर मुझे समझ नहीं आता ना क्या कुछ नहीं दिखता, इसे पट्टे भी खाने को मिल जाए खा लेगा। तो फिर सर हम थोड़ा से जो है ना दोस्ताना तरीके से चलना शुरू हो गए, एक दूसरे को जानना शुरू किया, तो फिर आस्ता आस्ता अलहमदिल्ला ऐसी यानी दोस्ती पक्की हो गई कि अलहमदिल्ला 11 साल हो गए। कभी हम रूठ भी जाते हैं, होता है लाइफ में सब कुछ होता है। रूठने के बाद पिछले हफ्ते रूठा हुआ था मुझसे, मैं 2 महीने के बाद आए थे, एक महीने के बाद, एक महीने रमजान के बाद आया, रमजान के बाद, लेकिन वो गोली ही देता रहता ना बीच में, मुझे कहता शॉपिंग के लिए जा रहा है, मैंने भी जाना, मैंने शॉपिंग के लिए इसको एक दिन बुलाया, जनाब नहीं आए, तो शॉपिंग के लिए आए तो जनाब नहीं आए, तो मैंने बोला रमजान की शॉपिंग करनी है, शूज वगैरह लेने हैं थोड़े से, तो आ जाए जनाब थोड़ा चलते हैं। तो कहते हैं ठीक है जी, मुझे भी इस संडे को ना छुट्टी है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। बोला ठीक है डन है। तो संडे के दिन मैं वेट करते करते जो है ना जनाब को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं शाम को आता हूँ, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर बाद आता हूँ, 2 दिन रह गए हैं ख़त्म होने के लिए। गुस्सा बड़ा आया मुझे, शॉपिंग भी मैंने नहीं की, मेरे शू मेरे ख्याल में टूट गए थे, टूट गए हुए थे, हाँ शू तो नहीं लिए मैंने, ईद के दिन भी वही पहने, सिर्फ इसको बताने ईद नहीं मिलने आया यार, मिलने के आया, ईद का मैसेज तक नहीं भेजा, ईद में ड्यूटी पे था, तो मैं फोन तो उठा सकता था। ओके अब आपको पहले खाने का व्यू दिखाया, खाने के बारे में थोड़ा दिखाया गया, हम लोग क्या खा रहे हैं, तो ये हमारी फेवरेट कबाब ईरानी बोलती है इधर, ये ईरान के जो है ना रेस्टोरेंट में, ये उधर के क्या, ये उधर का कबाब ईरानी कबाब बोलते हैं इसको अरबी में, तो यानी फेवरेट डिश है इधर की, सबसे बेस्ट है ये कबाब, इनके होते हैं ना बगैर यानी जिसको बोलते हैं चर्बी वगैरह जो है ना उनके बगैर होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। यार मेरी तरफ मैंने पहले पैसे देने हैं पार्टी दे रही है, यकीन माने कबाब के साथ ऑनियन ना हो वो भी वाइट ना हो तो टेस्ट नहीं आता कबाब खाने का। तुम गंडा कह सकते हो, नहीं गंडा कह सकते हो, ठीक है जी भाई गंडा, ये साथ में मोहम्मद, हाय 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 कैसा लगा? ओए मुझे मार्ग याद आ गया, मार्ग पाकिस्तान आया था ना वो, तो पहले तो लेते हैं कबाब, ठीक है इसे करते हैं डिप हुमस में ये तेल के साथ, हाय 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 वाओ मुझसे माफ, वाओ वाओ वाओ। अब हम लगे हैं खाना खाने, मिलते हैं आपको खाने के बाद। लोगों ने खा लिया खाना, शेक होगी वीडियो क्योंकि मोबाइल से रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग घूम रहे हैं किधर, मुबारकिया में घूम रहे हैं, चेक करेंगे, हाँ बंदे देख रहे हैं हमें, पता नहीं क्या मैं कुछ किसी को मारने आ गए हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग घूमने आए हुए हैं, यहाँ से क्या लेना हमने, परफ्यूम लेनी है हमने यहाँ से, परफ्यूम्स वाह, ऐसे ऐसे लोग कुछ फ्लोरा ऑयल ऐसे लोग होते हैं, इनकी उर्दू पता क्या होती है, मैं ना कल रक्षे में बैठी और मेरा रक्षा ना आगे से चूका गया, वो वजन ज्यादा था ना इसलिए, इसलिए मुझे परफ्यूम लेनी है आज, ठीक है।
तो अभी देखते हैं कौन सी परफ्यूम लेंगे। गुची फ्लोरा शनाइल, हाँ दो नंबर वाली, असली वाली नहीं लेते हम, असली वाली महंगी बहुत होती है तो दो नंबर वाली अच्छी होती है, सस्ती मिल जाती है तो वही यूज करते हैं हम। तो अभी परफ्यूम लेंगे, परफ्यूम लेने के बाद इस जनाब ने करनी है शॉपिंग कपड़ों की। पाकिस्तान जा रहे हैं तो इसके साइज के कपड़े मिलते भी बड़ी मुश्किल है, तो ढूंढने पड़ेंगे कहाँ से मिलेंगे। और अच्छी बात है जिसने जैकेट नहीं पहनी हुई तो ये कंजर अपर पहन के घूमता है, पता है आपको। तो अभी हम लोग थोड़ी शॉपिंग करेंगे परफ्यूम वगैरह की, उसके बाद जाएंगे कपड़े लेने, कपड़े लेते हुए भी दिखाएंगे परफ्यूम भी दिखाएंगे आपको। तो जूस बेच रहे फ्री दे रहा है अरे लाइट कम क्या हो गया। हाँ जी हो गया, आप सही बंदे देख रहे हैं हम लोगों को पीछे देखे, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग भाई, वीडियो बना रहे हैं हम लोग कुछ नहीं कर रहे ठीक है। तो अब हम लेंगे परफ्यूम में, आपको परफ्यूम की दुकान पे लेके जाते हैं और बताते हैं कि दो नंबर परफ्यूम में कैसे खरीदी जाती है और रेटिंग रेट भी करके दिखाएंगे। करने लगी है मोटू परफ्यूम कौन सी ले रहा है? सिल्वर सेंट, सिल्वर सेंट। और ये भाई जान की दुकान है ये मुबारकिया में, क्या नाम है दुकान का भाई? अलहयात परफ्यूम, ठीक है। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, अगली बार शॉपिंग करनी होगी किसी को कुवैत में रहता है तो यहाँ पर आके ले सकती है, ठीक है। अलहयात परफ्यूम दिख गया होगा आपको, ठीक है। तो अगर कोई कुवैत में है तो अगर यहाँ पर आके कुछ शॉपिंग करना चाहता है तो यहाँ से आके कर सकता है। ये मोटू की फेवरेट दुकान है। कितने साल हो गए इधर आते हुए? मुझे आते हुए तीन साल से ये बंदे यहाँ पर आ रहे हैं, दुकान को 25 साल हो गए माशाल्लाह। और आपको कितने साल हो गए कुवैत में? भाई को 2 साल हो गए कुवैत में। पर किधर से आप? बांग्लादेश। कहाँ से? किधर से? सिलेट। तो बांग्लादेश की दोस्त है। हाँ मेरे भी जो काम करते हैं सब काफी बंगाली काम करते हैं, ठीक है। तो जो अगर बंगाली भाई जान जो भी कुवैत में रहती हैं कुछ पैसे यहाँ पर आके शॉपिंग करना चाहते हैं तो जरूर आए भाई के पास, और यहाँ से आके परफ्यूम खरीदने सारी बात है डिस्काउंट तो मिलेगा। तो देखते हैं कौन सी परफ्यूम दे रहा है। हाँ यहाँ पे क्या बचते हैं? ऊद वगैरह, ऊद भी मिलते हैं, मतलब बुखार, बुखूर सॉरी बुखूर बुखार बुखूर भी मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। काफी अच्छी दुकान है, देखते हैं क्या कौन सी परफ्यूम देते हैं। तेरी शक्ल ही आ रही है पूरे कैमरे के अंदर पता तुझे बालू देखा हुआ आपने? बालू देखा हुआ ना, ये वो आदि मानव का पता, ये हमारा आदि मानव है। शायद देखो यार अदर शर्म किया कर, ने कितनी परफ्यूमें ली हैं? 12 परफ्यूमें किसको देनी है तूने? गिफ्ट दे ब्रो, गिफ्ट 12 परफ्यूमें गिफ्ट देनी है। 5 मेरे ख्याल में मेरे पास रहेंगी, बाकी सब दे देनी है। बाकी सब दे देनी मेरे पास। वाह क्या बात। ओके गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं टिकटॉक के नए क्या कहते हैं फेमस लड़के से, फेमस लड़के से। तुम पे मरते हैं हम मर जाएंगे। मेरी चुनरी लिपट लिपट के पागल मुझे बनाए, पहले से ही तड़प रहा था और मुझे तड़पाए। जाने तमन्ना करना ऐसे सितम। हाँ वो लड़का बहुत प्यारा है माशाल्लाह। उसके बाद हम लोग कितने साल से जा रहे हैं? दो साल से हम लोग ज्यादा पहले जानते हो एक्चुअली जानते हैं हम लोग उसे काफी देर से हैं, ठीक है। टिकटॉक पे वो अभी आया, तो आज हम लोग जा रहे हैं उसके पास दोबारा, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो वो भी उधर ही जॉब करता है, तो हम लोग जा रहे हैं उससे मिलने, वहाँ से हम लोग थोड़ी शॉपिंग करेंगे। क्या लेना चाहते हो आप? आई वांट जींस, आई वांट शर्ट्स। वो उर्दू बोल रहा है। देन आई नीड टू शूज आल्सो। तो मतलब ये सीधी बात के कपड़े लेने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ शू और ये और वो, ये क्या बात हुई भला? अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। इसके साइज के अंडरवेयर मिलते नहीं तो ये बनाते हैं। ड्रिंक कोड रेड देयर इन द फर्स्ट कॉर्नर। व्हाई?
ना मेरे पास नो पैसा, नो पैसा, यूट्यूब पैसा बंद करेंगे मेरा यूट्यूब से पैसा बंद हो गया अब कोई पैसा नहीं आता तो वीडियो में शेयर जगह बनने लगी है जी ये बनने लगी है मैंने यहाँ पे अपनी नई बिल्डिंग बनानी है यार ये भी क्लोज हो गया तो ये पूरा पूरे का पूरा बाजार ही बंद हो नई बिल्डिंग बना रहा हूँ मैं यहाँ पर यार अपनी वो देखो परी वाली बिल्डिंग वो देखो वो दिखाई थी किधर गई वो बन रही है ना उसके ऊपर खड़े होना इसलिए वहाँ पर मैंने खड़े होना जाके कबूतर के जैसे लोगों को जो ऊपर प्लेन आते हैं ना उनको दिखाना कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मत आना तो अभी कुछ पिला दो जानी ओए कुछ नहीं पिलाना ओके मत पिला जरा है तो सही दुकान तो खुली है ले लेते कुछ यार ये बहुत पुरानी चोर मार्केट याद है यहाँ पे ना पहले चोर बाजारी होती थी पुराने टाइम पे जानी आज से कोई 10-12 साल पहले 10-12 साल पहले यहाँ पर मोबाइल बेचे जाते थे चोरी के नोकिया के रोक लिया अभी देखो पुलिस वाले हमारे रोकेगा और बोलेगा अपने पटाखे दिखाओ पागल है तुम हम इश्तेहार ही दिखते हैं उन्हें रोक भी सकते हैं बना रहे रोड के ऊपर माई सीर चली कोई नहीं क्यों माई सीर हम लोग कौन सी किसी लड़की की वीडियो बना रहे हैं सही कहा ना अपनी बना रहे हैं यार कसम से आज वाकई डर्मी कूल वाला मौसम आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का थोड़े ठुमका लगा दे मेरी जान नहीं ऐसे नहीं दोबारा लगाई देखा कैसे ठुमके लगाती है मेरी चमक छलो एम ही नहीं मैं इसके साथ घूमता मेरी पारो है पारो हमारी तरफ से तो यार गर्मी तो वाकई बहुत है इस गर्मी में ये मुझे कुछ ठंडा ठंडा पिला देगा ब्रो मैं तो पिलाना चाहता था लेकिन आपने खुद नहीं है मैं इनको गन्ने का रस पिलाना चाहता था वो तूने आपने अकेले में पी लिया ना अकेले में पिया ही आई नहीं है मैं तो बोला था इसको तुम्हारे लिए स्पेशल समथिंग है यार बंदा सो रहा होता है सुबह सुबह फोन करके आ जा पागल हूँ मैं आ जाऊँ सुबह एक तो रात पराठे का नाश्ता करना था मैंने खैर मैंने कबाब खा लिए सुबह पराठा खाना था अभी कबाब खा लिए तो ये नहीं आया वो भी अंडे वाला पराठा अंडे वाला है अंडे वाला बर्गर याद आता है यार एक्चुअली ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये तोरे भी भूत बंगला बना हुआ है ठीक है तो गर्मी में हालत मेरी खराब हो रही है बिल्डिंग के अंदर जाके दोबारा से आते हैं बैक मिलता है पक्की बात है एवरीथिंग अवेलेबल भाई इसका साइज मिलेगा जनाब ये टिकटॉक के बहुत फेमस लड़के हैं ठीक है तो इन्हें प्लीज फॉलो करिएगा जो जो मुझे फॉलो करता है यूट्यूब पे इन्हें जाके फॉलो कर लीजिएगा टिकटॉक पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नाम भी बता दूंगा शादी की उम्र है मेरी जी जी मैडम सर तुम अच्छे लगते हो शुक्रिया मैडम सर अब बोलो शादी कब करनी है ओ अथिया तो जाके 1 2 3 टिकटॉक स्टार हूँ मैं टिकटॉक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मैं इनकी वीडियो स्पेशली देखता हूँ इनके और इनके साथ वो लड़का नहीं ऐसे एक लंबे बाल वाला अदनान दोनों की मैं टिकटॉक स्पेशल देखता हूँ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मैं इनकी वीडियो स्पेशली देखता हूँ इनके और इनके साथ वो लड़का नहीं ऐसे मेकअप आर्टिस्ट अदनान दोनों की वो यूट्यूब पे भी होती है वो भी उसका भी नाम और सब कुछ नीचे दे दूंगा जरूर देखिएगा जाके नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वीडियो सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त बनाते हैं इसके जैसे ये तो दुनिया के कहते हैं एक आखिरी मखलूक है इसके बाद ऐसी मखलूक दोबारा देखिएगा जाके नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वीडियो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत जबरदस्त इसके जैसे तो प्लीज जाके इनको फॉलो करिएगा इनका नाम और लिंक अगर मिल सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नहीं तो फुल यूजर नेम आपको स्क्रीनशॉट के साथ इधर किधर साइड पे लगा दूंगा तो जरूर देखिएगा ठीक है उसके बाद मिलते हैं ये मोटू की शॉपिंग के बाद अगर इसे कुछ पसंद आ गया तो इनका नाम और आज सारी मेरी रिएक्शन वीडियोस भी आज मैं कोशिश करूंगा आप लोग करने की तो फुल यूजर नेम आपको आज आई थिंक संडे है 30 जून उसके बाद आज मैं रिएक्शन मिलते हैं ये मोटू की शॉपिंग के बाद अगर इसे कुछ पसंद बाकी मिलेंगे अगले सीन में और आज सारी मेरी रिएक्शन वीडियोस भी आज मैं कोशिश करूंगा आप लोग करने की आज आई थिंक संडे है 30 जून तो आज मैं रिएक्शन वीडियोस भी अपलोड करूंगा तो जरूर देखिएगा बाकी मिलेंगे अगले सीन में सो जनाब हमने कर लिया सारी शॉपिंग क्या क्या लिया आपने परफ्यूम लिए कपड़े पसंद नहीं आए जो पसंद आए वो साइज नहीं मिला माशाल्लाह साइज इतना बड़ा है तो जो इसने पसंद किए वो साइज नहीं मिला और जो साइज मिला वो पसंद नहीं आया बस शूज लिए और क्या लिया
परफ्यूम लिए हैं बस। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं घर पे, ठीक है। और मैं आज की वीडियो करता हूँ यहीं पे बंद। तो गाइस आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। हाँ, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का पहला व्लॉग कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि एवरी संडे हम लोग मिलके वीडियोस बनाएं, तो इंशाल्लाह हम लोग एवरी संडे आया करेंगे। वीडियोस के कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको पहला व्लॉग हमारा कैसा लगा कुवैत के अंदर। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। यो यो, फिर करी बहुत बहुत। चलो अल्लाह हाफिज गाइस, दुआ में याद रखिएगा। लव यू, लव यू गाइस।